और जो और सीक्वेंस डिफाइन करने के बाद अब सवाल यह था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सीक्वेंसेस. सो द फर्स्ट वन रिलाय ऑन द डिफरेंस दैट इज व्हेन यू सबट्रैक्ट थ्री माइनस व्हेन यू डू थ्री माइनस वन यू गेट टू. फाइव माइनस थ्री इज टू. सेवन माइनस फाइव इज टू. नाइन माइनस सेवन इज टू. तो ऐसा जो नंबर अरेंजमेंट होगा इट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और जहां पर ये पैटर्न आपको मिले कि वी मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय अ फिक्स नंबर विच इज वन ओवर टू. तो वन को वन ओवर टू से मल्टीप्लाई किया वन ओवर टू फिर वन ओवर फोर वन ओवर एट एंड सो ऑन. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई. सो आफ्टर डिफाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डिफाइनिंग बाय सॉरी First we define sequence, then we define define the difference between the AP and BP. अब हम ऐसा करेंगे दोनों progression को तफसील से अलग अलग पढ़ेंगे. यहाँ तक copy कर लिया आपने? हाँ जी. जी सर. जी सर. Okay, thank you very much. All right. So we start in detail the first sequence. Which is arithmetic sequence. All right. तो जैसा मैंने भी आपको बताया था कि arithmetic progression में किसी number के plus minus होने का sense होता है. उसकी मैं कुछ example पहले आपके सामने लिख देता हूँ फिर उसकी generalized form define करता हूँ. Here are few examples of the arithmetic sequence. कि arithmetic progression short form में से AP पढ़ते मिसाल के तौर पर 2 है फिर 5 है फिर 8 है फिर 11 फिर 14 और इस तरह से 17 होगा फिर 20 होगा. ठीक है. तो ये आर्थमेटिक सीक्वेंस है. और यहाँ पर आप क्या नोट कर सकते हैं कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 माइनस 2 है. यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 माइनस 5 है विच इज ऑफकोर्स 3. यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 माइनस 8 है. तो एक बात आप नोट कर ले कि हर अगले नंबर को पिछले नंबर से सब्ट्रैक्ट करने से वो डिफरेंस आता है. सो द कॉमन डिफरेंस विच इज नोटेड बाय डी और वो कैलकुलेट होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो या कोई स्टूडेंट चाहे तो वो थर्ड माइनस टू से भी कर सकता है. अगर कोई चाहे तो टेन माइनस टी नाइन कर सकता है. तो बस उनका दो कंजेक्टिव होना जरूरी है दो लगातार होना जरूरी है. तो नॉर्मली वी राइट दिस फॉर्मूला टी टू माइनस टी वन. सो The most dominant concept in the AP is common difference, and वो common difference B से represent किया जाता है और उसको calculate कैसे किया जाता है मैंने sequence में भी करके दिखा दिया आपको और यहाँ पर उसका generalized formula बता दिया that is T2 minus T1 या 3 minus T2 या T9 minus T10 minus T9 you name it जो चाहे आप कर सकते हैं. उनका लगातार होना जरूरी है या कहीं पर भी माइनस करेंगे यू नोटिस आंसर 3 आएगा 20 माइनस 17 कहीं पर भी आपको. लेकिन इसको फर्क नहीं सकते आप. इसे आप T1 minus T2 नहीं कह सकते आंसर गलत आएगा. इसे आप T2 minus T3 नहीं कह सकते. ठीक है ये ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट माइनस द प्रीवियस वन. ठीक है अब समझ आ गया कॉमन डिफरेंस. जी सर. ओके. तो द फर्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कॉमन डिफरेंस अबाउट एपी वो हो गया. अब हम आ जाते हैं इस देखें आप भी इम्पोर्टेंट हैं आपके वालिद वालदैन भी इम्पोर्टेंट हैं और आपके दादा दादी पिछले पुराने नए सब इम्पोर्टेंट हैं. लेकिन सबसे पहला जो ह्यूमन बीइंग है उसका अगर तस्करण नहीं किया
तो फिर इंसानों की ह्यूमन बींग्स की हिस्ट्री डिफाइन करने में आपसे ज्यादती हो जाएगी. सो वी मस्ट से समथिंग अबाउट द आदम अलैहिस्सलाम. जो आदम वाले आदम थे वो फर्स्ट ह्यूमन बींग, फिर हवा, फिर सो ऑन चलते चले गए. मैं भी आया, मेरी औलाद भी आई, तुम लोग आए, तुम्हारी औलादें आएंगी इंशाल्लाह. तो सेकंड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है द फर्स्ट ह्यूमन बींग और ऑटोमेटिक सीक्वेंस के अंदर द फर्स्ट टर्म, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए. जैसे आदम का तस्करा जरूरी है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो सीक्वेंस में उसकी पहली टर्म जरूरी है बताना, विच इज नोन एज ए. और उसके बाद जो नेक्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अबाउट डिफाइनिंग द एपी वो है एन पोजिशन ऑफ अ टर्म. उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, अब आप देखिए, जरा नोट कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं डी वाला कॉन्सेप्ट हटा के फिलहाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो आदम है ये सबसे पहला ह्यूमन बीइंग है, लिहाजा इसका एन वन है. उसके बाद ये फाइव मान लेते हवा है हमारी, हमारे हम सबकी अम्मा, तो उसका एन टू हो जाएगा. फिर हवा के बाद कोई नया आया होगा, आई डोंट नो कि वो कौन है. चल आदमी का जो दो बेटे थे आदम के अम्मा के, उनमें से कोई एक, तो शायद जो भी है वो, उसका एन थ्री हो गया, तो इसका एन फोर हो जाएगा, इसका एन फाइव हो जाएगा, इसका एन सिक्स हो जाएगा, इसका एन सेवन हो जाएगा. सो एवरी टर्म दैट विल कम इन एपी उसका कोई ना कोई एन होगा, उसको हम कहेंगे पोजीशन ऑफ टर्म. उसकी जो एन की वैल्यू है वो उसकी प्लेसमेंट को बता रही होगी कि वो किस प्लेस पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स. ये बात समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? जी सर. ओके, नेक्स्ट थिंग जो फंडामेंटल है और ये इंसानों में तो मुझे नहीं मालूम क्या होगा, द लास्ट पर्सन जो इस दुनिया में पैदा होगा आएगा लास्ट, और उसको हम सीक्वेंस में लास्ट टर्म कहते हैं, और वो रिप्रेजेंट होता है टी एन से. अब यहां पर एक बार लेट मी अलाउ मी टू सिट प्लीज, तो मुझे लीजिए लिखना है यहाँ पर. ये जो टी के नीचे एन लगा होता है यहाँ पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. मिसाल के तौर पर अगर आपको ऊपर वाली सीक्वेंस में मैं बात करूं, इसमें टू है, फाइव है, एट है, इलेवन है, फोर्टीन है, सेवनटीन है, ट्वेंटी है, अगर मैं उसको रेफरेंस बनाऊं और यहां लिखूं टी थ्री, तो आप बताइए यहां क्या आएगा. ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई. टी थ्री एट. वेरी गुड, एट आएगा. वेरी गुड. अगर मैं कहूं टी सिक्स, यहां क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवनटीन आ जाएगा. सो दिस एन हैज अ सिग्निफिकेंस. ये टी के नीचे जो एन लगा होता है सुफिक्स के अंदर, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हम उस सीक्वेंस की किस प्लेस वाले नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड के बारे में, फोर्थ के बारे में. तो जब एन लिख दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस सीक्वेंस में जो एन में है. तो क्या आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि मैं ये कॉमा लगा के डॉट डॉट डालने के बाद क्या इस काबिल हूं कि आपको बता सकूं विच इज द लास्ट टर्म? आप कहेंगे नो सर, आपने वो जो कॉमे के बाद डॉट डाल दिया इसका मतलब चल रहा है आगे, सो देयर इज नो लास्ट टर्म इन इट. फिलहाल इसमें कोई नहीं है. लेकिन अगर मैं इस सीक्वेंस को आगे यहां क्लोज कर दू, ट्वेंटी पे क्लोज कर दू, तो यस मैं कह सकता हूं. अगर मैं बल्कि एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, पहले आप यहां तक नोट कीजिए, मैं दूसरी एग्जाम्पल लूंगा. ठीक है, आप नोट कर चुके हैं.
हाँ भाई यस सर और राइट कैन आई इसको साफ करके ओके थैंक यू वेरी मच और राइट अब मैं एक आपके सामने एक दूसरे सीक्वेंस दे रहा हूँ इसमें मैं आपको टीएल के बारे में समझा रखा हूँ एग्जाम्पल टू मिसाल के तौर पर बेस्ट सीक्वेंस है जैसे थ्री और सिक्स नाइन और फिर मेरे पास है ट्वेल्व फिर है फिफ्टीन फिर एटीन फिर उसके बाद आगे आगे अलग अलग करें आपका फिफ्टीन और फिर आगे जाके ड्रॉप डाल दिए मैंने यहाँ सिक्सटी लिख दिया ठीक है इसमें आएगा कितनी नहीं आएगा ट्वेंटी वन बिल्कुल आएगा टीवी का टेली चल रहा है और अब आप बताइए सबसे पहले इसमें ए की वैल्यू क्या है थ्री वेरी गुड व्हाट इज बी इट शुड बी सिक्स माइनस थ्री ठीक है इज देयर एनी लार्ज कॉम्बिनेशन यस यस वी हैव 60 The sequence is stopped at 60. So we can take TN as 60. इस sequence में मैंने और मैं डाल के dots नहीं डाले भाई मैंने dots डाल के फिर 60 लिखा है. It means ये sequence 60 पर खत्म हो रही है फिलहाल. तो ये जो value मैंने लिखी A, D और TN सही है. अब सवाल ये है कि इस 60 का n क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लीज देखिए क्या n ये जो मैंने n लिखा है कि n फाइंड करो ठीक है क्या ये n क्या इस 3 का n बताए आप लोगों को बताए 1 इसका n भी बताए 2 इसका n भी बताए 3 तो फिर ये कौन सा एन है 15 का ही पता है 18 का ही पता है इसका मतलब है ये 60 के ही बारे में बात हो रही होगी मेरी बात पॉइंट समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं हाँ भाई तो इसका मतलब है जब किसी सवाल में एन पूछा जाएगा तो लाजमी तौर पर उस सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म जहां पर सीक्वेंस खत्म कर रहा होगा वो ब्लॉक कर रहा होगा एंड कर रहा होगा वो टर्म आपको दिया हुआ होगा तो अब हम क्या करेंगे अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इस बात का जवाब देने के लिए आपको मैथमेटिक्स की एक बहुत जबरदस्त किस्म के सेंस की तरफ आना पड़ेगा जरा देखिए थोड़ा सा इन बातों को भूल कर आप बताइए कि टी वन इज स्टैंड फॉर ए सही है टी वन ए के लिए स्टैंड है या नहीं करता है जी सर ठीक है ओके व्हाट इज टी टू अब मैथमेटिकली बात कर रहे मैं एक्सपेरिमेंटल बात नहीं कर रहा हूँ मैं न्यूमेरिकल बात नहीं कर रहा हूँ कि टी टू क्या है अगर आप कहेंगे सिक्स तो मैं आपको मना करूंगा कि आप सिक्स नहीं कहेंगे क्योंकि अब हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं तो टी टू होगा द वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डी इन द ए ये इस थ्री में डी ऐड करने पे सिक्स आया है सो टी टू शुड बी ए प्लस डी सो व्हाट शुड बी थ्री देन इट शुड बी ए प्लस डी दैट इज ए प्लस टू डी क्या कहते हो सही है इस a प्लस बी में d ऐड हो गया तो a थर्ड आ गया a प्लस टू डी पहले बताओ इतना डिस्कशन से सब लोग एग्री करते हो तो मैं आगे बढ़ूंगा वरना मैं पहले इसका दोबारा से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा जी सर ठीक है समझ गया सर ओके सबके लिए ये भाई ये मायूर अपनी खबर का जवाब देगी ये सारे लोग मायूर के यश तक नहीं चलो भाई
सैयद ताज अहमद नकवी, सैयद अली अब्बास नकवी, मूसा हुसैन और हसन रेहान, दानिश फर्रुख, अजीज फैसल, आशिक आहमद, ऑल ऑफ यू प्लीज। मिस सुमेरा भी, हाँ मिस सुमेरा समझ आ गया ठीक है। हाँ भाई बताइए। जी सर क्लियर है। ओके जनाब, अब अगर क्लियर है तो फिर मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स बताना चाहिए। व्हाट शुड बी टी फोर? तो देखे ए ए प्लस बी ए प्लस टू डी डी थ्री डी, क्या कहते हैं? यानी देखो ना, इसमें ए प्लस डी आया, इसमें टू डी आया, तो लॉजिक लॉजिक थ्री डी आया ना, ये मैथमेटिक्स है भाई। तो टी फाइव क्या होगा वो बता सकते हैं मुझे? ए प्लस फोर डी। वेरी गुड, ए प्लस फोर डी। एक बार रिस्पॉन्स और लेते हैं, जरा बता रहा है जरा। टी सिक्स क्या होगा? ए प्लस फाइव डी। वेरी गुड, ए प्लस फाइव डी, एग्री। अब जनाब ये आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको कोई कोई पैटर्न नजर आ रहा है तो खुश हो जाए आप। देखें यहाँ पर जब थ्री है तो यहाँ टू आ रहा है, जब यहाँ फोर है तो यहाँ थ्री आ रहा है, जब यहाँ फाइव है तो यहाँ फोर आ रहा है, जब यहाँ सिक्स है तो यहाँ फाइव आ रहा है। तो आप बताइए जब यहाँ सेवन होगा तो यहाँ क्या आएगा? सिक्स डी। एक कम आएगा। अब मैं फाइनल कंक्लूजन की जा रहा हूँ, अगर यहाँ पर टी एन होगा तो यहाँ क्या आएगा? डी तो आना ही आना है, देखिए डी तो आ ही रहा है, डी हर जगह आ रहा है। एन माइनस वन। ओ खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, लेकिन अपने खर्चे के ऊपर, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा जरूरतमंद आदमी नहीं है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप देख लें जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरलाइज फार्मूला एस्टैब्लिश कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स फॉर्मूले बनाने के लिए कॉन्सेप्ट अलग जाता है, नहीं, जो आप कॉन्सेप्ट चल रहे होते वही चीज फर्निश हो जाती है फॉर्मूले के अंदर। सो दिस इज सी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी इज द जनरलाइज फॉर्मूला फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आप देख लें इसमें हर इंपॉर्टेंट चीज मौजूद है। It contains T n, it contains A, it contains N, it contains B, everything is there। जो यहाँ पर arithmetic sequence को define करने में चाहिए थी वो आपने बना लिया। Please note it down, इसको लिखिए अपने पास और इसको भी लिखिए। This is the generalized formula for the term of a sequence in arithmetic progression। कोई confusion हो तो बताओ please। नहीं सर क्लियर है। वेरी गुड। तो अब हम ओके, वेरी वेल डन। नकी साहब समझ आ गया है? हाँ, मुझे कुछ लोगों से रिस्पॉन्स लेने हैं यार, कि लोग आशे आमिर प्लीज रिस्पॉन्स। आशे आमिर साहब कौन जा से हो गया यार, गायब हो गया। लो अरी फैसल। जी सर क्लियर है। और दानिश फर्रुख साहब। जी सर क्लियर है। असल रेहान साहब, मानूर फातिमा। असल रेहान पहले तुम बताओ। ओके मानूर, यू आप मानूर, आपको समझ आ गया? यस सर क्लियर है। वेरी गुड। मूसा हसनैन। जी सर क्लियर है। ओके साहब अहमद नकवी साहब। क्लियर है सर। ओके सैयद अली अब्बास नकवी। यार ये आशिक कहाँ चला गया? जब मैंने उसे सवाल किया तो शायद रूम लेफ्ट कर दिया, आई डोंट नो। अच्छा जी मिस सुमेरा आपको समझ आ गया? वेरी गुड। Response, all right, so now we have this formula
which will help you, inshallah, aap koi bhi cheez calculate karna chahe to come back to this problem ki hame n maloom karna tha aur ye hamare paas formula maujood hai to tn is equal to a plus n minus 1 into d tn ki jagah aa jayega 60 a ki jagah aa jayega 3 n unknown hai n ki jagah n nahi aayega और डी की जगह थ्री आ जाएगा इसको सॉल्व कर लो फॉर एन तो 60 माइनस 3 इक्वल टू 3n माइनस 3 और माइनस यहाँ के लिए 60 हो जाएगा 60 इक्वल टू 3n दैट इज n इज इक्वल टू 20 इसका मतलब है वो जो 60 है लास्ट वाला उसकी जो पोजीशन है सीक्वेंस में वो 20 है दिस इज t 20। बताइए समझ आया आप लोगों को? जी सर। जी सर। ओके तो आप इसी तरह अब आप एक बार ध्यान में रखिएगा कि अच्छा टाइम बता दीजिए मैं कि आज टाइम बहुत गया हुआ है दूरी है 5 मिनट छोटी सी बात डिस्कस कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह सॉरी आज आप लोगों का टाइम गया होगा इंशाल्लाह ताला मैं उसको कॉम्पनसेट कर दूंगा इंशाल्लाह ठीक है लेकिन वो कंफ्यूजन की वजह से हुआ है मुझे मेरा इरादा ऐसा नहीं था कि मुझे लेट होना है मैं समझा कि क्लास आपकी आज 1 to 2 है ऑलराइट मैं आपसे यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ जो लोग एपी के क्वेश्चन में फंसेंगे ना उसे नहीं सॉल्व होगा या उनको प्रॉब्लम होगी उसका रीजन एक सिर्फ एक होगा जब वो कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे चाहे वो वर्ड्स में हो चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में हो वो उसको भुला देंगे वो समझेंगे कि आर्थमेटिक सीक्वेंस के सवाल करने के लिए हमें नए तौर पे सोचना पड़ेगा जबकि मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको अपने पास पल्लू में बांध लें कि आप जो सवाल पढ़ेंगे अगर वो सीक्वेंस के बारे में है और आर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में है तो उसका मिसिंग पार्ट उनमें से कोई होगा कहीं टी एन गायब होगा कहीं ए गायब होगा कहीं एन गायब होगा कहीं डी गायब होगा कहीं दो दो गायब हो ठीक है तो लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला ही आपको हेल्प आउट करेगा ऐसा नहीं है कि आपको नए सिरे से सोचना पड़ेगा कुछ कि यार कोई नई मैथमेटिक्स सोचो क्या कह रहा है सवाल नो इफ इट इज अबाउट एपी It means this formula is enough to facilitate. बस आपने उसमें से बस identify करना कि यार ये this value stand for C है ये D है ये A है और सारी बात है कि वो CI के अंदर examiner जो है तो हलवा question नहीं बनाते कि जैसे मैंने ये बनाई है जैसे हलवा question ऐसे हलवे question नहीं होते उसमें उसमें कुछ ना कुछ वो critical thinking डालते हैं लेकिन अब आपका दिमाग बन जाना चाहिए कि बाबा ये सॉल्व इन्हीं में से कुछ हो यहीं से कुछ निकलेगा ठीक है अच्छा एक छोटी सी बात फिर आप लीक कर सकते हैं रूम वो लिख ले सारे कल हम जब क्लास ज्वाइन करें तो हम इस पोजीशन में हो कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें डायरेक्ट क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें है नहीं उस टॉपिक में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं सीक्वेंस की 1 फॉर एग्जाम्पल 2 और 4, 6, 8, 10, 12 चलो इसमें टोटल 6 टर्म्स है फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 12 है ठीक है अगर मैं इसके सम में इंटरेस्टेड हो जाऊं सम ऑफ 6 टर्म्स यानी इसमें जो 6 टर्म दी हुई है इनका सम क्या होगा तो एक तो क्लास 6-7 वाला क्लास 1-2-3 वाला कॉन्सेप्ट है कि बाबा फटाफट ऐड कर लो ये 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 10 = 30, 30 + 12 = 42 सो द सम इज 42 नो इशू और ये S6 कहलाएगा व्हाई इट इज S6 बिकॉज आपने सीक्वेंस के 6 टर्म्स को ऐड किया लेकिन अगर सीक्वेंस में नंबर ऐसे लिखे हुए हैं जिनको आप कैलकुलेटर से करने बैठेंगे और तो आप को बड़ा टाइम लग जाएगा तो देयर शुड बी अ फॉर्मूला
वो फॉर्मूला क्या है, वो सम का फॉर्मूला कहलाता है और उसको हम लिखते हैं Sn। जैसे Tn है सम का फॉर्मूला तो Tn, तो जो सम का फॉर्मूला है वो Sn है। ये n किसके लिए स्टैंड करता है, बिकॉज अगर आपको ऐड करना है तो आपको बताना पड़ेगा ना कितने टर्म्स को ऐड करना है। तो दिस n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स दैट शुड बी एडेड फॉर अ प्रॉब्लम। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। ये फॉर्मूला कैसे आया है अगर कहोगे तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में आपको इसका इजी वो दे दूंगा उसका वर्जन। ये फॉर्मूला कैसे आया, रिग्रेस मैथमेटिक्स जरूरत नहीं है हमें, हमें ए लेवल की प्रूफ भी चाहिए होती है, ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी अगर कहीं जरूरत आप फील करते हैं बताइएगा, मैं बता दूंगा। तो ये फॉर्मूला है एन का, एस एन का, और ये कब यूज होगा, फॉर द सम ऑफ द फ्यू टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस। फॉर्मूला है एन अपॉन टू ब्रैकेट दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स b। इसमें भी आप देखिए कोई नई बात नहीं है, n वही यूजुअल मीनिंग है, a वही है पढ़ना वाला, b वही चीज है, और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके। अच्छा अब आप प्लीज अलाउ मी ओनली फ्यू सेकंड, अब n की जगह 6 रख ले, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको 6 टर्म्स का सम चाहिए, तो 6 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए कितना है, ए इज 2, और n की जगह 6 आ गया, और d कितना है, इसमें डिफरेंस जो है वो 2 का है, तो यहाँ d 2 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 2 टू 4, और यहाँ आएगा 5 टू 10, तो कितना हो गया भाई ये 4 प्लस 10, और बाहर कितना था, यहाँ 3 था, कोई गलती तो नहीं, चेक करो यार मुझसे, 5 टू 10 और 2 टू 4 4 प्लस 10 14 है, 3 इंटू 14 एंड 14 3 42, तो आप देखिए यू गेट द सेम आंसर 42। तो जो आप मैन्युअली ऐड कर रहे थे उसका आंसर भी 42 है, और फॉर्मूले में वैल्यूज प्लग इन से कर रहे हैं तो उसका आंसर भी 42। क्या कहते हैं, तो ये इट इज नॉट ऑल्दो नॉट अ रिग्रेस मैथमेटिकल प्रूफ, लेकिन एटलीस्ट आपको एक हिंट मिल गई है कि ये फॉर्मूला जो है वो सही फंक्शन कर रहा है। बताइए समझ आया आप लोगों को? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, आज अल्लाह की तरफ से आसानी हो गई, आज मुझे इतना ही एक्सप्लेन करना था जो हमने उस लिमिटेड टाइम में 34 मिनट्स में कर लिया है। ओके यू गाइस, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल के फिर लेक्चर में मुलाकात होगी। अगेन सॉरी फॉर जो लेट हुआ, मैं डिले हो गया, लेकिन आई विल बी केयरफुल इंशाल्लाह नेक्स्ट। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। Office. Hello.